हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगी कि अगर आपके किचन में चीनी का डब्बा पड़ा है ना, तो आप उसको उठा के फेंक दो। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मैं आई, अचानक आपसे ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों चीनी सही में एक सफेद जहर है। हम लोग मानते नहीं है, मतलब बेशक हम उसको यूज करते हैं, लेकिन हमारे लिए सही में वो सफेद जहर है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे। दोस्तों, ये जो चीनी है, ये हम जितनी भी घोल घोल के अपने बच्चों को दूध में दे रहे हैं या हम जितनी भी मिठाइयां बना बना के खा रहे हैं ना, ये हमारे शरीर में केवल एक बम का काम कर रहा है। केवल एक ऐसा बम, मतलब जिसमें खूब सारा बीमारी जो है वो बस भरते जाओ। एक मान लो कि एक शरीर जो है वो बम ही है, उसमें सारी बीमारी जो है वो भरती जा रही है। फिर एक दिन ये जो बम है ये विस्फोट हो जाएगा। मतलब बहुत सारी बीमारियां जो है जब हमारे शरीर में हो जाएंगी तो दिक्कत तो होनी ही है। दोस्तों, पहले क्या था, पहले ये जो चीनी है ये नहीं चलती थी। पहले गुड़, राब वगैरह, मिश्री वगैरह, मतलब चीजें जो है वो चलती थी, तो उससे सारी जो मिठाइयां है, जो बुजुर्ग है वो सब खाते थे, तो ये बीमारी है जो नहीं होती थी। क्या बीमारी नहीं होती थी, ये वो भी जान लेते हैं। पहले क्या था, पहले डायबिटीज जो है, शुगर है, वो कोई नहीं जानता था। मतलब आपको अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, तो आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो आप एक बार उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि पहले ये बीमारी नहीं थी। शक्कर के आने के बाद ये जो चीनी है, जो भर भर के डब्बा हम रखते हैं ना अपने किचन में, चाय में खूब भर के 2 चम्मच डाल दो, बच्चों को पिला दो, खूब 2 चम्मच मीठा कर दो, घोल के पिला दो, मतलब बच्चे पी जाएं, परेशान ना करें, है ना। ये जब से शक्कर आई है, जब से चीनी जो है ये आई है ना, तब से ये शुगर, ये डायबिटीज आया। उसके पहले कुछ नहीं था, कोई शुगर और ये डायबिटीज जो है वो बीमारी जानता ही नहीं था। अगर कभी एक आध को हो गया तो बोलते थे कि शक्कर वाली बीमारी हो गई है, समझे। ये पहले ये सब बीमारी नहीं होती थी। इसके बाद अभी जितनी चीनी खा रहे हैं उतने ज्यादा बीमारी जो हम अपने शरीर में पाल रहे हैं। कोलेस्ट्रोल, इतना ज्यादा मोटापा जो है ये पहले नहीं होता था लोगों को। आप पुराने थोड़े जमाने में जाइए, नहीं जाना है, आप घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए। पहले लोग मोटापा से परेशान नहीं थे, मोटापा पहले था ही नहीं। लोग बहुत सारा काम करते थे, नेचुरल चीजें खाते थे, ये चीनी वगैरह कुछ नहीं छूते थे, पहले होता ही नहीं था, पहले लोग खाते नहीं थे। मोटापा जैसी जो बीमारी है वो भी चीनी आने के बाद ही, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है ना, बहुत सारी लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, उनसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कब्ज, इतनी ज्यादा, मतलब गैस की बीमारी, इतनी ज्यादा बीमारी हो जाती है। ये सब चीनी शक्कर खा रहे हो ना, इसी से हो रही है। और दोस्तों, अभी क्या है, अभी थोड़े बुजुर्ग लोग हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं हो रहे हैं, मतलब ठीक ठाक स्थिति, 50-55 साल में ही लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मतलब रीढ़ की हड्डी खराब हो रही है, इतनी ज्यादा समस्या हो रही है कि पूछो ना। उसके बाद क्या, लीवर खराब एंड ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मतलब बीपी वाली जो बीमारी है, ये सब भी चीनी से आई है। दोस्तों, सही में मतलब इतना बस बोलना चाहूंगी कि ये जो चीनी है सही में इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसको हटा के आज ही फेंक दो। और मतलब यूज, बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि हमारे घर में रिश्तेदार आएंगे फिर चाय कैसे बनाएंगे, मतलब अगर हम गुड़ की चाय बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, एक उसके लिए भी एक चारा है, जैसे जो चीनी है वैसे ही सेम वो आती है मिश्री, हाँ मिश्री आती है ना, मिश्री आप चाय की, जहां पे चीनी हम यूज करते हैं वहां पे मिश्री डालो, एंड बच्चों को जो चीनी घोल के देते हैं हम दूध, वो गुड़ डाल के घोल के दो। मतलब चीनी जो है आप अवॉइड करो, अगर पूरी तरह से नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पूरी से बंद नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों कम कर दो। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, मान लो अगर आप 1 महीने में 2-3 किलो चीनी खा डालते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप आधा किलो ही खाओ, बहुत ज्यादा चीनी ना खाओ, क्योंकि चीनी से बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है। एंड ये मान लो कि जो शरीर है उसको बस हम बीमारियों से भरते जा रहे हैं, एंड एक दिन बीमारियों से भर जाएगा तो ये विस्फोट करेगा। तो दोस्तों, आप सब थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी सेहत पे, क्योंकि सेहत, अगर हमारा शरीर फिट फाट है ना, तो अगर हम बीमारियों से लड़ सकते हैं ना, तो मतलब कुछ नहीं हो सकता हमारे शरीर को। लेकिन अगर हम बीमारियों से भरते जाएंगे अपने शरीर को, तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो जो सफेद जहर है, जो चीनी है, वो आज से ही छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि दोस्तों ज्यादा चीनी खाने से यूरिक एसिड होता है जो, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से गठिया और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी जो है वो हमारे शरीर में हो जाती है। क्योंकि जो हमें जो चीनी है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, जब हम जो 1 गिलास दूध पीते हैं उसमें पर्याप्त चीनी मिल जाती है। 1 गिलास दूध में 2.5% चीनी होती है, और वो एकदम से नेचुरल चीनी होती है। तो अगर हम वो चीनी लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा
फायदेमंद होती है। मतलब हम अगर दूध है उसको पी रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी 2.5% चीनी है, हमें एक्स्ट्रा चीनी डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बच्चों को या खुद से इतना भर भर के चम्मच डालेंगे, खूब दम से पियेंगे, वो चीनी ना बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियों का जो रूप है वो ले लेती है। जैसे आप गाय का दूध पीते हैं तो उसमें 5% चीनी होती है, बकरी का पीते हैं तो आप 4% उसमें चीनी होती है। तो दोस्तों हमें एक्स्ट्रा जो चीनी है वो खानी बंद करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जैसे डब्बा बंद जो जूस होता है या दूध होता है या कोई भी डब्बा बंद जो फूड है वो खाते हैं, उसमें अलग से 4 से 5 चम्मच जो चीनी है वो एक्स्ट्रा मिलाई जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर से ज्यादा जितनी हमें चीनी खानी चाहिए उससे दोगुनी चीनी जो है वो हमारे शरीर में जाती है और उससे खतरनाक जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में हो जाती हैं। दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये जो चीनी है ये जो गन्ना होता है उससे बनती है, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि जो चीनी है वो गंधक से बनती है, गंधक का जो मसाला होता है उसी से जो चीनी है वो बनाई जाती है। और बताएं उसमें सल्फर पाया जाता है जो पटाखों और बम को बनाने के काम में आता है। अब तो अब आप समझ सकते हैं कि चीनी हमारे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आज से ही आप लोग जो चीनी है वो खाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। दोस्तों अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों चीनी खाना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए एंड दोस्तों अपने शरीर की जो आधी बीमारियां हैं उनको अलग रख दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा होगा एंड आपको मेरी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगी। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।